डोर टू डोर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी सतपाल ब्रह्मचारी सतपाल ब्रह्मचारी सतपाल ब्रह्मचारी भूपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा। सभी दोस्तों को ऋषिपाल दुंड का नमस्कार। दोस्तों आज हम पहुंचे जुलाना और मेरे पीछे देख रहे हो पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। फिर बताता हूँ देश का भविष्य तय करेंगे ये कांग्रेस से करेंगे या बीजेपी से करेंगे ये तो इनके मुंह से खुद ही सुनाएंगे। आइए मेरे साथ भाई सारे राम राम। पहले तो अंकल जी आपसे बात करूँगा, क्या नाम है? जय नारायण पटवारी। पटवारी बहुत तजर्बा देश का, कहाँ से हो? यहीं से। आपने तो काफी राज में उलट पुलट देखा होगा। हाँ जी। किसका बढ़िया राज लग गया? राज तो हमने तो भाई भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं लग गया, कांग्रेस का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोदी ने कहा है कांग्रेस ने जो 60 साल में किया है। भाई साहब दिल थाम के आपसे हम आप बोलियो। बीजेपी ने कहा है कांग्रेस ने जो 60 साल में किया है हमने वो 10 साल में करके दिखा दिया। ये गलत कब है, कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या किया? पहले भारत के व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं थी विदेश में। अब जहाँ से जहाँ भारत का जाता है वहीं ये नाम होता है कि इंडिया से आया है। यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, वहाँ जो भारत का झंडा निकल के लगा के गाड़ी निकलेगी उसको छोड़ दिया, बाकी के ऊपर घोड़ा मारा। तो मोदी ने ये काम करके दिखा, ये प्रोपेगेंडा है। हमें प्रोपेगेंडा है कुछ नहीं। और असली झंडा क्या है? असली क्या है झंडा यार? एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट का होना चाहिए, जो ये मुद्दे होने चाहिए, रोजगार होना चाहिए बच्चों को। आजकल बेरोजगारी बताओ ये 4 साल है या क्या है मिलिट्री की? अग्निवीर तो ठीक है, अग्निवीर ठीक है। हमारे साथ एक और भाई साहब, आपका भी स्वागत है टोरा ग्राउंड पर। ठीक है जी सर। ठीक है, बीजेपी ने कुछ करा है देश के लिए? आप कहोगे या बात? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? एक का तो नहीं करे सर, सिर्फ झूठ बोला। झूठ बोला है? झूठ के सिवा कुछ काम नहीं करा तो, ये कहते तो दूसरी बार कैसे बना दिया देश ने? अब ये कहते हैं कांग्रेस ने 60 साल में राज किया। हाँ जी, अगर कांग्रेस को 60 साल में राज किया है तो जनता पसंद करती होगी, तभी तो 60 साल राज किया। और अब जो 10 साल इन्होंने जो राज किया, अब पब्लिक का मूड दोबारा फिर कांग्रेस की तरफ हो रहा है, क्योंकि इनको 10 साल दे दिए इन्होंने। 10 साल में सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। अब ये बार बार कहते हैं हिंदू मुस्लिम, जैसे हमारे हरियाणा में लगा लो आप, हरियाणा में उन्होंने 35-1 का नारा दे दिया। भाई साहब हरियाणा में हमारे इन्होंने 35-1 का नारा दे दिया। हाँ जी। उसमें किसान भी है, मजदूर भी है, हमारे 36 बिरादरी है। हाँ जी। 36 बिरादरी का इन्होंने भाईचारा बिगाड़ दिया। 36 बिरादरी का भाईचारा बिगाड़ के इन्होंने शासन कर लिया। गुजरात में इन्होंने पटेलों को आदर से लड़ा दिया। यूपी में इन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया। महाराष्ट्र में इन्होंने मराठे अदर को लड़ा दिया। इनको तो एक बड़े वर्ग को और एक उसको वर्ग को लड़ाना है और राज करना है, बाकी विकास कुछ नहीं करना। आखिरी प्रश्न भाई साहब, किसानों के लिए मोदी ने कुछ करा कि नहीं? बस ये बता। कुछ भी नहीं करा, कुछ नहीं किया। अगर किसानों के लिए वो करते तो 750 किसानों की बॉर्डर पे मौत नहीं होती है। ठीक है, हमारे साथ एक और नाथ साहब। भाई साहब आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। अभी सोनीपत से दो कैंडिडेटों की टक्कर है, बड़ा मुकाबला है, ब्रह्मचारी और बड़ोली का, किसको चुनोगे? एक नहीं, टक्कर तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज जनता जनार्दन का जो मूड बना हुआ ना, उससे तो नजर नहीं आ रहा टक्कर कहीं है। अच्छा। ब्रह्मचारी ही एक तरफा दिख रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े इसलिए तो नहीं कहते? नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए की बात नहीं है। आपने पटवारी साहब से ये पूछा था कि भाई क्या किया, इन्होंने बताया था कोई IIT लगाई हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो और कोई थर्मल प्लांट लगाया हो, एक भी गिनवा दो आप, और कोई रोजगार दिया हो। और वादे क्या थे, 2 लाख नौकरी देंगे, 2 करोड़ रोज नौकरियां देंगे, और बहुत सारे वादे थे। इनके मैनिफेस्टो उठा के देखो, एक भी पूरा हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब जुलाना में बीजेपी ने कुछ किया है? किया है। क्या काम किया? भ्रष्टाचार बहुत किया है। भ्रष्टाचार क्या, विकास का काम नहीं किया ना? विकास का काम तो कोई दिखाई तो नहीं देता। अगर ये कागजों में कुछ किया हो तो पता नहीं, बाकी भ्रष्टाचार में चरम पर पहुंच चुका है जुलाना। आप तहसील में जाओ, ब्लॉक में जाओ, नगर पालिका में जाओ, प्रॉपर्टी आईडी के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, जो उनका हक बनता है उसके लिए पैसे। ब्लॉक में जाओ आप, वहाँ पर आधार कार्ड,
फैमिली आईडी उसके लिए 150 रुपये फीस देनी पड़ती है, लोग परेशान है। भाई साहब मोदी ने किसानों की पेंशन की है, कौन सी 500 रुपये महीने, 500 रुपये महीना, यानी साल के 6000 रुपये, और ये धीरे धीरे राशि बढ़ जाएगी। एक दिन के 17 रुपये, 17 रुपये हम आपके तो ले लोगे, वो भी सब कहनी है। एक बार किसी की किस्त आ गई, दोबारा नहीं आई, दोबारा आ गई तो फिर फैमिली आईडी गलत है, ये गलत है, वो गलत है, मतलब कहने का ये है कि चक्कर कटा दिए। हाँ, पूरा का पूरा देश लाइन में लगा रखा है। अब भाई ध्यान डाइवर्ट नहीं जा तो हम अपना कुछ करी जाओ फिर उसके बदले में। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ और भी जुड़े हैं। हाँ जी भाई साहब, ये बोलो, आपसे बोलूंगा। नहीं, मेरा कोई क्या, डरते क्यों कैमरे से? अपना पक्ष रखें, आपको अधिकार है। बीजेपी को बोल रहे हैं दुलाना में कुछ नहीं किया, वो मंडल किसने बना दिया दुलाना को? 60 साल तक ये मंडल नहीं बना, ये दुलाना का मंडल किसने बना दिया? हम तो इतनी जाना और कुछ नहीं जाना भाई साहब। उसका ये तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े झूठ बोल रहे हैं, आप सच्चाई बोलो। ये तो सभी दफ्तर से आए हैं, जितने से आपने इंट्रोडक्शन किया ना, सभी दफ्तर से उठ करके आए। आप तो दफ्तर से बाहर हो। हाँ, मैं तो इतना जानता हूं। विकास का कार्य है जुलान में? विकास का कार्य इतना हुआ है, हमारा मंडल बन गया। अच्छा, कोई काम नहीं किया और काम बतेरे, यानी 10 साल में 370 तोड़ी, 35A तोड़ी, करे ये काम किसका किया? हम मोदी का किया है। अच्छा जी, इतने हथियार आज रक्षा सुरक्षा और सुरक्षा के, हाँ जी, हाँ, उसमें आर्मी के लिए, हाँ जी, जो मोदी ने किया और किसी ने भी नहीं किया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सरकार राज किया। कांग्रेस ने तो किया, कांग्रेस ने भी क्या नहीं किया, कौन नहीं करता, सब करते, लेकिन सब कुछ अपने पेट के लिए करते, कुछ ऐसे करते। तो फिर मोदी ने पेट के लिए किया है, देश के लिए किया? मोदी ने देश के लिए किया, देश के लिए किया। भाई साहब हम प्रश्न करेंगे आपने। नहीं भाई साहब, मैं बता रहा हूँ जो भाई साहब कह रहे हैं ना, आग भाई मोदी ने सेना के लिए किया, किया के क्या, जो परमानेंट थी वो तोड़ के 4 साल की कर दी। रही बात जैसे भाई साहब कह रहे हैं उपमंडल बना दिया, सही बात है, इनकी उपमंडल बना दिया, मेरी रजिस्ट्री ने 1.5 महीना हो गया, आज तक इंतकाल नहीं होया है, के कराएंगे उस, यानी नाम नाम है, मास्टर प्लान हमारा अप्रूव हो रहा नहीं आज तक, नाम नाम है बस, कोई सहूलियत नहीं हमने उसकी, स्कूल है तो मास्टर नहीं, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं। ऐसा है जी, रजिस्ट्री का ऐसा है, रजिस्ट्री करवाओ, नाम जमीन लो, रजिस्ट्री अगर 7 घंटे के अंदर इंतकाल नहीं हो तो हमें बताओ 1.5 महीना कैसे हो गया, कौन बोलता है 1.5 महीना कहाँ लगेगा उसको यार, रजिस्ट्री को इंतकाल होता है अफवाह, आजकल तो इंतकाल अफवाह देते हैं, आजकल की बात कह रहे हैं, आजकल की बात कह रहे हैं हम, इंतकाल को दिल थाम के भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, कराया कुछ बीजेपी ने? कुछ नहीं कराया बीजेपी ने, एक झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया बीजेपी ने, सब झूठे परब गुंडे हैं। क्या कहते हैं बीजेपी न्यू करो, क्या करवा दिया उपमंडल देने से, क्या हो गया जुड़ाने में, क्या फायदा हुआ? पहले कांग्रेस सरकार थी उसने यहाँ मेडिकल बनवाया, और जैसे मंडी बनवाई, और ये कॉलेज बनवाया, हॉस्पिटल भी बनाया कांग्रेस के राज में, क्या कराया? एक सिर्फ जाति पाति पे भेदभाव करने का काम किया और कुछ नहीं किया बीजेपी ने। ठीक है, एक और भी कांग्रेस। हाँ जी, हाँ जी, किसको चाहते हो देश में प्रधानमंत्री? कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ। मोदी को क्यों नहीं? मोदी ने मारे राशन कार्ड भी काट दिए, और श्रम जो विभाग ने उसका भी नाश कर रखा है। अच्छा जी। हाँ, मोदी चलाकी से काम कर रहा है। आप बताओ, ब्रह्मचारी को वोट दोगे या बड़ोली को दोगे? ब्रह्मचारी को। ब्रह्मचारी को? हाँ। क्या आपके सारे काम कर देगा? करेगा। दिखे कदे ना हो, करेगा। बकांदे हो कदे? करेगा जी, करेगा। करेगा? हाँ, विश्वास है। हाँ, विश्वास। देखो, कहते हैं गुस्से से प्यार बड़ा, प्यार से एतबार, एतबार सबसे बड़ी चीज है, और एतबार पर ही वोट देते। क्या नाम है भाई साहब? मेरा जगदीश जी। जगदीश? हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी। किसको वोट दोगे? कांग्रेस को जी, सतपाल ब्रह्मचारी को जी। सतपाल को? ब्रह्मचारी को, हाँ, कांग्रेस को। बड़ोली में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी चाहिए हमने। राहुल गांधी? हाँ, पढ़ा लिखा पूरा वर्ल्ड में 7वें नंबर उसका पढ़ाई में स्थान, और राजीव गांधी राजघराना का एक बढ़िया चेहरा एक हिंदुस्तान में एक के छोरा है राहुल गांधी। बीजेपी का कहना उसका अनुभव नहीं है राजकरण? अनुभव? बीजेपी तो झूठ मूठ की राजनीति करती है। बीजेपी ने कह रखे है धर्म और जात की कॉन्फ्रेंस करवा ले बीजेपी पे, शिक्षा चिकित्सा रोजगार के बारे में बीजेपी बोल ले, आज प्रधानमंत्री नहीं बोल लिया। ये लोगों को लॉलीपॉप देने का काम बीजेपी कर रही है, झूठ मूठ की राजनीति कर रही है। एक असली सुशासन राज्य कांग्रेस ने करा, और कांग्रेस करेगी आने वाले समय में 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा, 180 सीट पर रह जाएगी। सारी बकवास है, झूठ है, पीछे हरियाणा में 75 पार कही थी, 40 पाई थी, आदि ई बात हो जाएंगे 180।
हाँ और बोलो। हाँ धन्यवाद दोस्तों, ये दिखाई हमने रूपरेखा बीजेपी और कांग्रेस की, और बने रहिए टोरा धुन के साथ। मैं हूँ जराना से ऋषि पाल, जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।